नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी। संजय जी, बात बिहार की करेंगे और बात हम करेंगे, देखिए बचपन से हम लोग देखते आए हैं कि जब कुछ न हो रहा हो तो दो मुर्गे को लड़ा दो, मुर्गे की लड़ाई देखने के लिए सभी लोग जमा हो जाएंगे और जो बाकी बातें हैं वह इधर से उधर हो जाएगी। बिहार के असली मुद्दे क्या हैं, इस पर बहस करने के लिए न तो सत्ता पक्ष तैयार होता है न विपक्ष आंदोलन की राह पर जाता है। कल हमने और आपने देखा, देखिए बिहार में जहरीली शराब कांड बिहार को शर्मसार करता है। मैं भी मानता हूं कि बिहार में शराबबंदी मजाक बन गया है, लेकिन जिम्मेदारी से दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भाग रहा है। सत्ता पक्ष यह बताने को तैयार नहीं है कि शराबबंदी है तो शराब मिल कैसे रही है और इसके लिए कसूरवार कौन है, केवल यह कह देने से कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करते रहेंगे, बात बनती नहीं है। जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं है। और विपक्ष यदि यह मानता है कि बिहार में शराबबंदी फेल है तो फिर स्टैंड क्यों नहीं लेता है? और देखिए कल हमने और आपने देखा पोस्टर बार शुरू हो गया, बात यही हो गई है कुछ कह दो, लोगों को दिग्भ्रमित कर दो, फालतू बहस मुबाइसे में फंसा दो, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका दो। तो राष्ट्रीय जनता दल, जिसे तेजस्वी यादव और लालू यादव लीड करते हैं, उसने कल सुबह एक पोस्टर जारी किया जिसमें जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी का नया नामकरण किया गया, जहां दारू अनलिमिटेड, जे से जहां, डी से दारू और यू से अनलिमिटेड। और फिर देखिए इसके जवाब में जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता जो नीरज कुमार हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने कहा आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जहरीला दल। लेकिन इस पोस्टर बार से न समस्या का समाधान निकलता है, न मुद्दे की बात होती है और न बिहार को कोई दशा और दिशा दिखता है। जिनके घर में आंसू हैं उनका आंसू पोछने कोई गया क्या? या सत्ता पक्ष या विपक्ष केवल एक्स हैंडल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर पोस्टर जारी कर देने से सत्ता पक्ष की भूमिका खत्म हो जाती है या विपक्ष की जिम्मेवारी खत्म हो जाती है? तो आप दोनों पार्टियों मुर्गा लड़ाने की लड़ाई रचकर दिखाकर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और बिहार जो हम कहते हैं, मानते हैं कि ठहरा हुआ प्रदेश बनता जा रहा है, इस मुर्गा की लड़ाई को आप किस रूप में देखते हैं संजय जी? और यह बिहार के लिए, बिहार के जरूरी मुद्दों को गौण कर देने के लिए इसे किस रूप में देखते हैं, इस पर आज हम लोग बिहार की बात पे चर्चा करें। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि आरोप प्रत्यारोप में उलझा हुआ बिहार, पार्टियां अपनी जिम्मेवारी से भाग रही, दारू अनलिमिटेड है और वो दल जहरीला है ये कह करके एक दूसरे को आप छोटा दिखाइए बड़ा दिखाइए, बिहार का क्या भला होने वाला है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जरा उन परिवारों को तो देखिए जिसका कमाने वाला एक सदस्य इस दुनिया से रुखसत हो गया, जिसके सुहाग उजड़ गए और चिराग घरों के बुझ गए। चिराग जलाने के लिए चाहे विपक्ष की ही भूमिका में आरजेडी थी, क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी? हम लोग एक दिन बात किए थे ना कि यात्राओं के रुख उन गरीबों के दरवाजे तक क्यों नहीं जाती हैं भाई? ये सारी पार्टियां जो यात्रा करती है अलग अलग नामों से, केवल वहीं तक क्यों जाती है जहां उनको वोट की फसल काटनी होती है? और एक बात हम लोगों ने और किया था कि संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश जी के गर्भ से निकले दो बड़े नेता, जो दो दल के अभी संचालक हैं, चाहे वो लालू प्रसाद हो या नीतीश कुमार हो, क्या जेपी ने यही संदेश दिया था कि समाज, राज्य और उसकी जिम्मेवारी आप इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लोग लगा करके पूरा करेंगे? या मौलिक जो सवाल है बिहार के, अगर जहरीली शराब है, बन रही है, बिक रही है,
बिल्कुल, आपने कहा कि विपक्ष क्यों नहीं जाती है वहां आंदोलन करती कि आखिर ये बिल्कुल जहर बेचने वाले लोग कौन हैं, हम उन पर प्रतिबंध लगाएंगे, हम उनको नकेल कसेंगे और हम समाज में और सरकार के सामने उनको नंगा करेंगे कि देखिए इसमें किसकी भूमिका है, क्यों कौन जहर बेच रहा है, कौन परोस रहा है और ये गरीब तो अनजान है, ये उस जहर को पी करके असमय इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। तो आपकी जिम्मेवारी जो विपक्ष की जिम्मेवारी है उससे भाग रहे हैं, पक्ष सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी। जब संविधान सभा की बैठक हुई थी 1948 में, उस समय मुंबई से आने वाले एक व्यक्ति ने बड़ी मजबूती से तीन सवाल उठाए थे। उसमें पहला सवाल कहा था कि बिल्कुल शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन क्या राज्य के पास इन्फोर्समेंट की उतनी ताकत अगर है तो करें, और अगर इन्फोर्समेंट की ताकत नहीं है तो इस तरह की चीजों में उलझना ठीक नहीं है। नहीं, और दूसरी बात उन्होंने कही थी, बॉटल नेक की बात कही थी कि अगर आप शराबबंदी को ठीक से नहीं लागू कराएंगे तो ये कानून और राज्य के बीच में एक बोतल नेक की तरह गर्दन में फंस करके रह जाएगा, न इसको पूरा करवा पाएंगे न इसको रिलीज करवा पाएंगे। बिहार वही दौर से गुजर रहा, इन्फोर्समेंट आपसे हो नहीं रहा है सरकार से। अगर इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है तो सवाल तो विपक्ष भी पूछेगी, सवाल जनता भी पूछेगी। तो इन्फोर्समेंट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, जो कभी रेगुलेट आप करते थे रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप पर अगर आरोप लग रहे हैं कि शराब बिक रही है, बन रही है, जहरीली मिल रही है, कच्ची मिल रही है, नकली मिल रही है, फिर इस बात के लिए आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? आप इसको मानिए कि हम ठीक से इन्फोर्समेंट नहीं कर पा रहे हैं। और बिल्कुल मुद्दे की बात, नीतीश कुमार तो अब बोलते नहीं है, नीतीश कुमार मीडिया के सामने आते नहीं है, तो देखिए अब सरकार की ओर से तो कोई उम्मीद ही नहीं रही कि क्या कहेगी। और यह सच है कि 30,000 करोड़ रुपया जो सरकार के खजाने में जाना चाहिए था वह माफिया के खजाने में जा रहा है। लेकिन विपक्ष की भी बात कर ले, आपके पास आंदोलन की ताकत कहां गुम हो गई? लालू यादव के आंदोलन को हम लोगों ने देखा है, आपने जेपी की बात कही, आप किस तरीके का आंदोलन करते हैं? अभी इसी महीने में 1 तारीख से आपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ पूरे बिहार में आंदोलन की बात कही थी, क्या हुआ, कहां चला गया आंदोलन? गुम हो गया, गायब हो गया? और शराबबंदी से जहरीली शराब से मौत हो रही है तो पूरे बिहार में आंदोलन क्यों नहीं खड़े कर दे रहे हैं? आपके पास भी देखिए इनपुट्स होते हैं, आपने कह दिया जहां दारू अनलिमिटेड। देखिए मैं दोनों पार्टियों के बारे में कहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड का मतलब जहां दारू अनलिमिटेड नहीं है, RJD का मतलब राष्ट्रीय जहरीला दल नहीं है, दोनों लोकतांत्रिक पार्टियां हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने जो कहा और जो जवाब था राष्ट्रीय जनता दल का, राष्ट्रीय जनता दल के पास जो इनपुट्स हैं उनको तो तस्वीरें जारी करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी हमारी जानकारी ये है फला 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 जो है यह शराब सिंडिकेट है, माफिया है। लेकिन आप चुप रह जाते हैं क्योंकि माफिया को आप टिकट दे देते हैं। दोनों ही पार्टियों की स्थिति ये है। नहीं, तो आज आया है, आज आज जनता दल यू के ही एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, वो पब्लिक डोमेन में भी चीजें आई थी कि कैसे कलकत्ता के शराब बनाने वाली कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से तेजस्वी जी की पार्टी को चंदा दिया था। ठीक है, इसमें सच्चाई है। तो आपने एक बड़े मौलिक सवाल उठा दिया कि अगर पंचायत स्तर पर, और आप कहते हैं कि हम गरीब गुरबों को आवाज दी, गरीब गुरबों को आवाज देने वाली पार्टी गरीब गुरबों की जान की रक्षा के लिए क्यों नहीं आंदोलन कर रही है? आप पंचायत स्तर से लेके ब्लॉक स्तर पर धरना पर बैठते, आंदोलन करते और कहते कि देखिए ये शराब का निक्सस है, हम भी शराबबंदी के पक्ष में हैं, हम भी उन महिलाओं के साथ खड़े हैं और ये नेक्सस है, इसको नेक्सस को पुलिस की मिली भगत से, सत्ता के संरक्षण की वजह से, सरकार के सहयोग की वजह से, इनका जो 30,000 करोड़ का जो रेवेन्यू का पैरेलल इकोनॉमी जो फल फूल रहा है इसको सरकार नहीं तोड़ना चाहती है, जनता को भरोसा होता कि आप एक तरफ वो नकली जहरीली कच्ची शराब से लोगों को जीवन बचाने के लिए खड़े हैं और दूसरी तरफ सरकार की आंखों को बार बार आप खोल रहे हैं कि ये पैरेलल इकोनॉमी बिना आपके सहयोग और संरक्षण के नहीं फल फूल सकता है। हमने तो नहीं देखा कि शराब को लेकर के
जहरीली शराब को लेकर के उन मौत के जो सौदागर हैं उनके खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय जनता दल ने किया हो, और जेडीयू ने भी ये कह करके कि आप कि हमारा घरेलू हिंसा में कमी आई या रोड एक्सीडेंट में कमी आई, ये कह करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके इन्फोर्समेंट एजेंसी इसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कर पाई। ना आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं ना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, बल्कि एक्साइज पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स ड्रोन हेलीकॉप्टर सबका प्रयोग आपने कर लिया। जब चीजें आपसे लागू ही नहीं हो पा रही है तो फिर आप जिम्मेवारी से भागते क्यों हैं? आप अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए कि हाँ चीजें हमसे छूट रही है। वो न कोई आसमान वाले लोग हैं न जमीन वाले लोग हैं, वो तो शराब माफिया आकर के कैमरे पर बोल रहे हैं फलाना आदमी हमको स्प्रिट सप्लाई करता है, उस स्प्रिट में हम इस इंग्रेडिएंट्स को मिला करके शराब बनाते हैं, और हाट और बाजार में जब शराब मिल रही है कब तक आप लोगों को कहिएगा कि नहीं बिहार में पूर्ण शराबबंदी है? जब शराब उपलब्ध है बेचने वाले लोग कह रहे हैं कि हाँ हम शराब बेच रहे हैं, खरीदने वाले लोग कह रहे हैं कि हाँ हम यहां से खरीद रहे हैं, तब शराबबंदी का एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन क्या ये सत्ता की जिम्मेवारी नहीं है? सरकार सरकार को भी यह बात समझ में नहीं आती कि जिन बच्चे और बच्चियों को आपने स्कूल में पहुंचाया वे बच्चे आज शराब के कैरियर हो गए हैं, उनके माँ बाप उनसे शराब दिलवा रहे हैं, वे स्कूल बैग में शराब का बोतल यहां से वहां लेकर जा रहे हैं। और देखिए किसी भी शहर में किसी भी गांव में किसी भी प्रांत में किसी भी कस्बा में, आप प्रदेश की हम बात कर रहे हैं बिहार में, कहीं भी शराब की डिलीवरी बहुत ही सहजता से उपलब्ध है, तो फिर शराब बंदी तो फेल ही है ना। इस सच्चाई को कौन नहीं स्वीकार कर सकता? एक पीढ़ी जिसको आपने स्मगलर बनने के लिए बाध्य कर दिया, वो दो बोतल शराब की डिलीवरी कर देता है, 1,000 रुपया उसको मिल जाता है, और उस बच्चे को इस नाम पर कि वो स्कूल बैग लिए हुए है, पुलिस को या आपके सिस्टम को पता होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो बच्चा जिसको आदत लग गई, जिसके माँ बाप को भी पता है कि दो बोतल ये बच्चा मेरा शराब पहुंचा देता है और 1,000 रुपया ले आ रहा है, एक पीढ़ी तो स्मगलर बन गया बिहार में। और जो आप कल कह रहे थे कि सूखे नशे का कारोबार, तो फिर तो मत पूछिए क्या हाल तो है? ये तो सूखे नशे का कारोबार करके फिर तो उड़ता पंजाब ही बना दीजिएगा ना इस बिहार को, शराबबंदी के कॉस्ट पर उड़ता हुआ पंजाब बन जाए। और आप कहते हैं कि हम शराबबंदी लागू किए हुए हैं, जब इनफोर्स आप कर नहीं रहे हैं, आपसे चीजें चेक एंड बैलेंस नहीं हो पा रही है, कच्ची शराब अब तो, और आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि इंडस्ट्रियल लीकर भी अब राज्य सरकार के जिम्मे होगा, पहले था कि नहीं ये केंद्र के जिम्मे होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को 90 में दिए गए फैसले को उत्तर प्रदेश भर से ये को पलटा और उसने कहा कि नहीं इंडस्ट्रियल लीकर भी अब राज्य सरकार के जिम्मे हो। तो भाई इंडस्ट्रियल लीकर हो या पीने वाला लीकर हो, जब सब आपके जिम्मे है और आप उसकी तस्करी आप उसकी स्मगलिंग नहीं रोक पा रहे हैं, और 30,000 करोड़ का एक पैरेलल इकोनॉमी, मैंने कहा ना कि संविधान सभा में लंबी बहस चली है, वो खाडेकर साहब थे मुंबई के, उन्होंने ये तीनों बातों के तरफ कहा था कि बिल्कुल राज्य शराबबंदी करे, लेकिन उसके पास इन तीन चीजों की क्षमता होनी चाहिए। रेवेन्यू लॉस की बात उन्होंने कही थी, उन्होंने उस कहा था बॉटल नेक का कि कैसे न्यायालयों पर दबाव बढ़ेगा और जो मुकदमे हैं वो लंबित रह जाएंगे और शराब में उलझ करके न्यायालय रह जाएंगे, और उस पहली चीज इन्फोर्समेंट की बात की थी। क्या बिहार में आपको लगता है इन्फोर्समेंट बहुत सारे ऐसे मुकदमे, चूंकि शराब के मुकदमे इतने चलते रहते हैं खास करके जो लोअर कोर्ट में, कि बाकी मुकदमे की जो लिस्ट है वो बहुत पीछे चली जाती है? तो संविधान सभा की बात कही, देखिए जिस बापू का नाम लिया जाता है, ठीक है बापू नशा के खिलाफ थे, शराबबंदी के पक्ष में थे, लेकिन बापू यह भी कहते थे कि देखिए किसी मुद्दे पर यदि हमने दो बातें कही हैं तो जो हमने दूसरी बात कही वह माना जाना चाहिए। तो नीतीश कुमार ने यदि शराबबंदी की और शराबबंदी फेल हो रही है तो उन्हें दूसरी बात भी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि शराबबंदी खत्म कर दीजिए, आपको अंतिम कोशिश करनी चाहिए। और जिस सूखे नशे की आप बात कर रहे हैं संजय जी, ये युवा वर्ग
ये बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है पहले घर में चोर बन रहे हैं, माता पिता के पैसों की चोरी कर रहे हैं सुखे नशे के लिए, और फिर बाद में वह दूसरे किस्म के अपराध में शामिल हो रहे हैं। यह कहां बिहार जा रहा है, इतनी गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन इसे मुर्गा लड़ाकर लोग बिहार में बस सोच लेते हैं कि हमने तो राजनीति कर ली, हमने बिहार के मुद्दे की बात कर ली। अरे बिल्कुल बिल्कुल वही ना, अगर स्कूलों में खिचड़ी, कॉलेजों में डिग्री मिल रही है, इन बच्चों के बारे में कोई सोचने के लिए भी तैयार है क्या? कोई पार्टियां सोचने के लिए तैयार है? हम लोग आज इसी सवाल पर आ रहे थे ना कि न कोई जहरीला दल है, न दारू अनलिमिटेड वाली बात है। ये दोनों बातें जो हैं वो आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, गाली गलौज की भाषा हो सकती है, लेकिन इससे बिहार के जो मौलिक सवाल हैं, जो पलायन के सवाल हैं, जो सवाल शिक्षा का सवाल है, जो सवाल रोजगार का सवाल है, जो सवाल गरीब माँ बाप का अस्पतालों में इलाज का सवाल है, जहां पर आज भी बिहार से बाहर एम्स खुलने के बाद भी दिल्ली के अस्पतालों में धक्का खाते हुए बिहारी लोग मिल जाते हैं, जो उन वो मौलिक जो सवाल है, वो सवाल पर क्यों नहीं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, कभी आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष कहती कि हमने ये करके दिखाया है, आप अपनी उपलब्धियां गिनाते, विपक्ष उनको घेरती, ये ठहरा हुआ छूटा हुआ बिहार जहां किसानों की माली हालत देख लीजिए, जहां तटबंधों पर जिंदगी जीने वाले उन लोगों को देख लीजिए जो बाढ़ की विभीषिका हर साल झेलते हैं, बदले में उनको कुछ अनाज मिल जाते हैं, तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं मिलता है। जरा उन किसानों को देखिए जो किसानी छोड़ छोड़ करके और अपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी करने के लिए बाध्य है, जरा उन किसानों को फिर लौटाइए जहां खेतों में फिर हरियाली आए बिहार के किसानों पर। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर तो विपक्ष कभी आंदोलन करता? बड़ा एक अच्छा सवाल आज आपने रखा, मेरे मन लायक सवाल आपने कहा कि भाई आंदोलन की धार तो लगता है कि जैसे बिहार से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त ही हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब वो लगता ही नहीं है कि वो जज्बा वो जुनून जाति में बांटो, धर्म में बांटो, संप्रदाय और जाति में बांटो, अब वोट की फसल काटो, अब लगता है कि ये इतिहास याद कीजिए, बीएन कॉलेज के छात्रों का आंदोलन था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पटना आ जाना पड़ा था, यह बिहार था। अब बिल्कुल वही कह रहे हैं ना कि ये तो आंदोलन की भूमि रही है, और ये आंदोलन में छात्र आंदोलन उसकी धारा कुंद पड़ गई, चूंकि उनको पार्टियों ने जातियों में बांटा, छात्र नहीं रहने दिया, शिक्षकों को भी जातियों में बांटा, और सामाजिक कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता मैं कह रहा हूं राजनीतिक नहीं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जातियों में लोगों ने बांटा। कोई व्यक्ति अगर निकलता है बिहार के मौलिक सवाल को लेकर के, तो आप पहले उस व्यक्ति के बाद उसका उपनाम लगा करके डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं कि इस जाति का व्यक्ति है इसलिए इसके पीछे मत जाओ, इसकी बात को मत सुनो। भाई क्या है, आप कौन सा नई दिशा बिहार को दे रहे हैं इस जाति और धर्म का बंटवारा कर करके? कब तक इसकी फसल काटिएगा? और बच्चे ये डिलीवरी बॉय बने रहेंगे, सूखे नशे के शिकार होते बनते रहेंगे, और एक पीढ़ी को तो आप चोर और मवाली ही बनाने के लिए बाध्य कर दीजिएगा। क्या करेगा वो बच्चा जब वो भटकेगा? एक बार जब कोई बच्चा भटकता है तो वो फिर भटकने की सीमा नहीं रह जाती है, उसकी सीमा बहुत दूर तक चली जाती है। इन सवालों को लेकर के शायद विपक्ष घेरता सत्ता को, क्योंकि विपक्ष के पास घेरने के ज्यादा मुद्दे होते हैं, सत्ता को तो जवाब देनी होती है ना, विपक्ष को घेरना होता है, तो आप दारू अनलिमिटेड है, आपको मजबूर करना होता है, आप मजबूर कीजिए सत्ता पक्ष को अपनी ताकत से, अपने आंदोलन से, अपनी आवाज से, कि सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़े कि जहरीली शराब से मौतें क्यों हो रही है। लेकिन आपने एक हैंडल पर लिख दिया, पार्टी का नामकरण कर दिया, उन्होंने बदले में कर दिया, बात खत्म भाई। एक दिन के लिए भी आंदोलन आप करते कि जहरीली शराब से मौत के लिए जिम्मेवार कौन, यही आपका पोस्टर होता, और पंचायत से लेकर के और पटना की सड़कों पर ये पोस्टर लग जाता कि ये जहरीली शराब से मौत के लिए जिम्मेवार कौन, ये नेक्सस का, ये गैंगस्टर का मालिक कौन, ये संरक्षक कौन,
जरा इस तरह के पोस्टर लगा के आंदोलन करते, सत्ता पक्ष की चूले हिल जाती, सत्ता पक्ष सतर्क और सजग हो जाता कि विपक्ष अगर जनता से कनेक्ट कर दी और हमारी खामियों को पहुंचा दी तो 25 का चुनाव सामने है, कहीं हमें सत्ता से हाथ न धोनी पड़े। ये आंदोलन की भूमि रही है। ये गाली गलौज और जो मुर्गा लड़ाई शब्द का इस्तेमाल आपने कहा, ये मुर्गा लड़ाई से बिहार का कोई भला होने वाला नहीं है। ये मुर्गा लड़ाते रहिए बंद कमरों में बैठ करके, लेकिन भला तब होगा जब आप सत्ता को जो छूट रहा है बिहार से, ठहरा हुआ बिहार, बेरोजगार नौजवानों का बिहार, शिक्षा लेकर के चौराहे पर आसमान की तरफ ताकता हुआ नौजवानों का बिहार, उसके लिए अगर कोई संघर्ष की बात करते और मौत बेचने वाले उन शराब के तस्करों के खिलाफ कोई आंदोलन की बात करते तो शायद सत्ता सतर्क होती। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और मुर्गा लड़ाई से कोई बिहार का भला होने वाला नहीं। तो मुर्गा लड़ाई से बिहार का भला होने वाला नहीं है, और देखिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बिहार के प्रति जो असली जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं कर रहा है। ऐसे में जनता को ही जागना होगा। जेपी ने जगाया था, तो बिहार की जनता यदि नहीं जागेगी तो इन्हीं स्थितियों परिस्थितियों में जीती रहेगी, और फिर हम कहते रहेंगे बिहार ठहरा हुआ प्रदेश बनता जा रहा है, बिहार पीछे जा रहा है। तो बिहार की बात हम करते रहेंगे, बिहार के मुद्दों को उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखो पेज को लाइक कीजिएगा, एक्स हैंडल पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।